चार विश्व कप खेलने वाला भारत का एकमात्र गेंदबाज, भारत की तरफ से सबसे तेज गेंद फेंकने वाला गेंदबाज, वह धाकड़ गेंदबाज जिसे रिटायरमेंट के बाद फिर से बुला लिया गया, विश्व क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने वाला दूसरा बल्लेबाज। भारतीय टीम के साथ ही विश्व क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए जो कि शुरुआती समय में तो करना कुछ और चाहते थे, लेकिन आखिरी समय में उनका मन बदला और उन्होंने अपना कार्य भी बदल दिया। आज हम इन खिलाड़ियों को उनके दूसरे हुनर के बारे में जानते हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करना चाहता था लेकिन बाद में वह गेंदबाज बना, किसी को स्पिन गेंदबाजी पसंद थी लेकिन बाद में वह फास्ट गेंदबाज बन गया। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं उस खिलाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में एक जेंटलमैन खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। इस खिलाड़ी ने साल 2002 में भारतीय टीम से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन सौरव गांगुली ने साल 2003 के विश्व कप के समय उन्हें फिर से टीम में शामिल कर लिया। आप इस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाद के समय में इस खिलाड़ी ने एक से बढ़कर एक कारनामे कर दिखाए। इस खिलाड़ी को भारतीय टीम का सबसे पहला तेज गेंदबाज भी कहा जाता है। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं जबगल श्रीनाथ के बारे में। श्रीनाथ का जन्म 31 अगस्त 1969 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। इनके पिता का नाम जेके चंद्रशेखर था, साथ ही इनकी माता का नाम भाग्यलक्ष्मी थी। श्रीनाथ की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मरिपल्ला सेकेंडरी स्कूल मैसूर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए जयचामा राजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कहा तो यह भी जाता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद श्रीनाथ अमेरिका में रहकर नौकरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जिसे बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव हो उसे कहाँ नौकरी करने में मन लगता था। उन्होंने स्कूल कॉलेज में इतनी पढ़ाई के बाद भी वे क्रिकेट से अपने आप को दूर न कर सके। उनके जिद का भी नतीजा था कि उन्हें एक समय भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल गया। साल 1999 में श्रीनाथ ने ज्योत्सना नाम की लड़की से पहली शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। इसके बाद श्रीनाथ ने 2008 में दूसरी बार शादी पत्रकार माधवी पत्रावली से कर ली। अब बात करते हैं श्रीनाथ के क्रिकेट की दुनिया की। तब श्रीनाथ बीसी क्लब की तरफ से मैच खेला करते थे। इसी दौरान भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ की नज़र एक क्लब मैच के दौरान श्रीनाथ पर पड़ी। बता दें कि उस समय विश्वनाथ स्टेट टीम के सिलेक्टर थे। श्रीनाथ 1989-90 में हैदराबाद के खिलाफ कर्नाटक के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया और पहली ही पारी में उन्होंने हैट्रिक ले ली। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 मैचों में 25 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इसके बाद अगले सीजन में श्रीनाथ को 20 विकेट हाथ लगे। इस सीजन में नेहरू स्टेडियम पुणे में अपनी घातक रिवर्स स्विंग के दमदार प्रदर्शन के बदौलत श्रीनाथ महाराष्ट्र के खिलाफ 93 रन खर्च कर 7 विकेट अपने नाम दर्ज किया और वे इस तरह से एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। इस तरह से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इनके नाम 500 विकेट दर्ज हो गया। श्रीनाथ को लिस्टनशायर और डरहम के लिए भी इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट खेलने का मौका मिला। श्रीनाथ एमआरएफ पेस फाउंडेशन में गेंदबाजी का गुर सीख चुके हैं। आपको बता दें कि एमआरएफ पेस फाउंडेशन में सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर भी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी को लेकर ट्रेनिंग कर चुके हैं। एमआरएफ पेस एकेडमी की पहली सफलता के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने श्रीनाथ जैसा एक तेज गेंदबाज भारतीय टीम को दिया, जिसने अपनी क्रिकेट कैरियर में भारतीय टीम को एक से एक मुकाम तक पहुंचाया। यह बात है साल 1990 की, जब भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी। इसी दौरान जबगल श्रीनाथ को नेट्स में बॉलिंग करने के लिए भेजा गया। इस घटना को याद करते हुए सुब्रतो बनर्जी बताते हैं कि दिलीप बेंसकर बैटिंग कर रहे थे। बिशन सिंह बेदी ने श्रीनाथ को बॉल फेंकने के लिए कहा, मैंने भारत में पहली बार इतनी तेज गेंद फेंकते हुए किसी को देखा था। श्रीनाथ ने बाउंसर बॉल फेंकी तो बेंसकर के बल्ले पर लगी और उनकी बैट हाथ से छूट गई। इस बॉल को देख दिलीप चौंक गए। उन्होंने इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि नेट पर प्रैक्टिस के दौरान इतनी खतरनाक बॉल सामने आ सकती है। इस गेंद के बाद बेंसकर ने श्रीनाथ से आग्रहपूर्वक कहा कि भाई बाउंसर मत डाल, इसके अलावा जो डालना है वो डाल। श्रीनाथ ने सीधी यॉर्कर डाली और सीधा बॉल उनके पैर की उंगली पर जा लगी और वे घायल हो गए। श्रीनाथ का ओवनडे क्रिकेट में डेब्यू 18 अक्टूबर 1991 को भारत पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच शारजाह में हुआ। इस मैच में श्रीनाथ ने 9 ओवर फेंके जिसमें 1 मेडन और 1 विकेट अपने नाम दर्ज किया। यह मैच भारत जीतने में सफल रहा था। श्रीनाथ ने शुरुआती 2 से 3 साल का क्रिकेट बाहर खेला। इस दौरान वे भारतीय टीम में मुख्य गेंदबाज की हैसियत से नहीं खेल रहे थे, लेकिन जब भारतीय टीम से कपिल देव का रिटायरमेंट हुआ तब श्रीनाथ को भारतीय टीम में मुख्य गेंदबाज की हैसियत से खेलने का मौका मिल गया। वह साल था 1994 का जब श्रीनाथ को घरेलू क्रिकेट में खेलने का
मौका मिला तो उन्होंने एक मैच में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस मैच में उन्हें प्रदर्शन को ध्यान में रखते उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। साल 1992 में टेस्ट में 16 विकेट और वनडे में 20 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। ऐसे में इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से भी उन्हें नवाजा गया। इस दौरान उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने का मौका मिला, जहां ब्रिस्बेन में उन्हें टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। साल 1997-98 में भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जिसमें श्रीनाथ ने कमाल की गेंदबाजी की थी। खासकर उनकी तेज गेंद के लिए जाने जाते थे। इस दौरान उन्होंने एक गेंद 159.6 प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी। उनकी यह गेंद उस समय के तेज गेंदबाजों के समान था। भारतीय तेज गेंदबाजों से यह उम्मीद नहीं की जाती थी कि वे इतनी तेज गेंद फेंकेंगे। उस समय के तेज गेंदबाज रहे वसीम अकरम, बकार यूनिस, ग्रांट फ्लावर, लांस क्रूजनर, एडन डोनाल्ड की श्रेणी में श्रीनाथ आ गए थे। श्रीनाथ के इस कारनामे के बाद से भारतीय टीम में लंबे समय तक टीम के साथ वह मुख्य गेंदबाज की हैसियत से रहे, जिसके कारण साल 1997 में उन्हें कंधे की चोट लगी, जिसके कारण उन्हें एक साल के लिए टीम से बाहर रहना पड़ा। चोट से बाहर निकलने के बाद साल 1998 में वे एक बार फिर से मैदान पर आए और उन्होंने उस साल खेले गए टेस्ट मैचों में 17 विकेट अपने नाम दर्ज किया। साथ ही साथ 19 एक दिवसीय मैचों में 37 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जो कि उनके करियर का यह सबसे बेहतरीन साल रहा। साल 2000 में भारतीय टीम के कप्तान का बदलाव हुआ, जिसके बाद श्रीनाथ के ओवरों में भी कमी कर दी गई। कुंबले के ओवर को बढ़ा दिया गया। इस साल उन्हें 21 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और 15 वनडे मुकाबले खेलने के मौके मिले। इस साल दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 9 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। इसी साल उन्हें आखिरी बार टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया। अब वह समय आ गया था जब भारतीय टीम में तेज गेंदबाज निकलकर सामने आने लगे थे। इस कड़ी में जहीर खान, अजीत अगरकर जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ जुड़ने लगे। साल 2001 तक में अधिकांश समय श्रीनाथ को बहुत कम समय खेलने का मौका मिला। इस दौरान उन्हें मात्र 8 टेस्ट और 15 वनडे खेलने का मौका मिला। श्रीनाथ का टेस्ट करियर साल 2002 में लगभग समाप्त हो गया था। हालांकि श्रीनाथ वनडे से भी संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन तब के भारतीय टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली के कहने पर उन्होंने वनडे से संन्यास लेने से मना कर दिया। हालांकि विश्व कप की शुरुआत के एक महीने पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए सीरीज में 7 मैचों में उन्होंने 18 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि श्रीनाथ में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। साल 2003 के विश्व कप में उन्होंने 23.6 के रन औसत से 16 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जबकि इस दौरान इनकी इकोनॉमी 4.4 की रही। उनके क्रिकेट करियर का आखिरी मैच उसी विश्व कप क्रिकेट का जो आखिरी मैच था वो साबित हुआ। आपको बता दें कि श्रीनाथ के नाम भारतीय तेज गेंदबाज में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। 4 वर्ल्ड कप इन्होंने अपने नाम दर्ज किया है, जिसमें वह साल है 1992, 1996, 1999 और 2003 का विश्व कप, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। जबकि श्रीनाथ भारत की तरफ से वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज है। इस मामले में वे दूसरे स्थान पर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 229 मैचों में कुल 315 विकेट अपने नाम दर्ज किए। श्रीनाथ से पहले अनिल कुंबले 271 विकेट और 337 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। श्रीनाथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200, 250 और 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से हैं। श्रीनाथ के टेस्ट क्रिकेट करियर की बात कर ले तो 67 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 236 विकेट अपने नाम दर्ज किया। बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा, 86 रन खर्च कर 8 विकेट इन्होंने इस दौरान अपने नाम दर्ज किया। इनकी इकोनॉमी रही 2.85 की रही। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 1009 रन भी बनाए। वहीं वनडे की बात कर ले तो 229 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 315 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान 23 रन खर्च कर 5 विकेट अपना इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 883 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 147 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने 533 विकेट अपने नाम दर्ज किया। 76 रन खर्च कर 9 विकेट अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 2276 रन बनाए। वहीं लिस्ट ए मैचों की बात करें तो 290 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें 407 विकेट अपने नाम दर्ज किया। वहीं 23 रन खर्च कर 7 विकेट अपने नाम इन्होंने दर्ज किया, जो कि इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। इस दौरान बल्लेबाजी करते हुए 1153 रन भी बनाए। संन्यास की घोषणा करने के बाद श्रीनाथ ने टेलीविजन में क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर दी। इसके बाद साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने उन्हें मैच रेफरी के रूप में चुना था। श्रीनाथ ने 24 टेस्ट मैच, 122 वनडे और 25 टी20 मैचों में रेफरी के तौर पर कार्य किया है। वह नए गेंदबाज के मेंटोर भी रहे। श्रीनाथ को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्रीनाथ को टीम को गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी
कई बार नई अपार लगाई है। उन्होंने टीम को अंतिम के ओवरों में मुश्किल से निकाला है। अस्टिवा के बाद वे क्रिकेट विश्व कप में इतिहास में सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रहने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज है। और चल चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ श्रीनाथ, की वो कौन सी गेंदबाजी का स्पेल है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।